अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का क्रीम सैलड लेकर आया हूँ। मैं आज बना रहा हूँ मैक्रोनी पाइनएप्पल क्रीम सैलड। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर रशियन सैलड भी कहा जाता है, लेकिन रशियन सैलड और तरह का होता है। मैं आपको आने वाली वीडियो में बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इसे भी इधर रशियन सैलड ही बोला जाता है, लेकिन ये बेसिकली पाइनएप्पल मैक्रोनी क्रीम सैलड है। चलिए दोस्तों मैं बनाना शुरू करता हूँ। इसके लिए मैंने लिए मिल्क पैक की क्रीम ली है 200 मिलीलीटर। मैंने छोटे साइज़ की बंद गोभी लेके से बारीक काट लिया है, इस तरह बहुत बारीक। हाफ कप मैंने लिया पाइनएप्पल, ये टिन पैक है। अगर आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिलता हो फ्रेश ले लीजिएगा। और एक मीडियम साइज़ का मैंने सेब लेके से क्यूब में काट लिया है। और वन कप मैंने मैक्रोनी लेके तीन से चार गिलास पानी में डाल के एक चम्मच ऑयल डाल के इसे अच्छे तरीके से उबाल लिया है, इस तरह। तो आगे जो इसमें स्पाइस चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। काली मिर्च मैंने लिया 1/2 टीस्पून, 1/4 मैंने नमक लिया और 1 टीस्पून मैंने पिसी चीनी ली है। चलिए दोस्तों इसे असेंबलिंग करते हैं, सब बनाना आसान है। इसे साइड पे कर दें, एक बर्तन ले लें थोड़ा सा, इसके अंदर क्रीम शामिल कर दें। इसके अंदर पिसी चीनी, काली मिर्च और नमक शामिल कर दें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। काली मिर्च और आपने किसी भी चीनी और साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितना आपको ये पसंद है टेस्ट। स्ट्रॉन्ग अगर आप फ्लेवर चाहते हो तो आप 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दें। मैंने 1/2 टीस्पून डाली, इतना ही अनफ है। इसे मैं टेस्ट करता हूँ, आप डेट्स परफेक्ट। नहीं दोस्तों, आप इसके अंदर ये बंद गोभी और पाइनएप्पल और सेब शामिल कर दें। साइड पे रख के फिर मैं डालता हूँ, इसे गिर ना जाए। एप्पल डाल दें, पाइनएप्पल डाल दें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों इसे ठंडा आपने सर्व करना है बिल्कुल, जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार और रिच फ्लेवर देगा ये। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलिए मैं मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, सेब, बंद गोभी और पाइनएप्पल और क्रीम, काली मिर्च और किसी चीनी के साथ, नमक के साथ। अब इसके अंदर ये मैक्रोनी मैंने उबाल कर रखी है, ये शामिल कर दें। तो उसे इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ या वैसे एज इट सैलड भी खाएँगे, आपको ये बहुत मज़ा देगी। खिला लेते हैं, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। चलिए दोस्तों मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं सर्विंग बाउल में आपको निकाल के दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन करके। और आपने इसे फुल ठंडा चिल्ड सर्व करना है, जितना ठंडा होगा उतना आपको ये मज़ा देगा। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार मैक्रोनी पाइनएप्पल वाली क्रीम सैलड तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा और आप ठंडा करके खाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है। इसे बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ या वैसे ही एज इट सैलड इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और दोनों चैनल के जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।